मोस्टली लोग तब एक्सपीरियंस करते हैं जब वो हवाई जहाज़ का सफ़र कर लेते हैं या कि किसी हिली एरिया से वापस आ रहे होते हैं या सिर्फ जा रहे होते हैं। यूजली ऐसे टाइम पे लोगों के कान बंद होना शुरू हो जाते हैं या कि कानों में दर्द होती है, शदीद दर्द लोगों में और उनके बच्चों में। यूजली हमारे पास फैमिलीज आती हैं कि जी हम आज मरीज से वापस आ रहे थे तो बच्चे ने चीखना शुरू कर दिया, उससे पूछा गया तो उसने बताया जी मेरे कान में दर्द हो रही है। तो होता क्या है, बेसिकली हलक और कान के दरमियान में ट्यूब्स होती हैं, एक रास्ता होता है जो अल्लाह ने कान की एरेशन के लिए, मिडल ईयर की दरमियानी हिस्से की एरेशन के लिए उसको वेंटिलेट करने के लिए रखा है। इसको हम यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं, ईटीज। ये यूस्टेचियन ट्यूब्स ब्लॉक कर जाती हैं जब एयर प्रेशर चेंज होता है, या तो जहाज़ ऊपर जाता है बुलंदी पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का जो प्रेशर है वो चेंज हो जाता है तो ये ट्यूब ब्लॉक कर जाती है, जब वो डिसेंड करता है उतरता है तब भी ये ब्लॉक हो जाती है, और या फिर जब ये जो हिली एरिया से वापस आते हुए कान खुलते बंद होते हैं तो कुछ लोगों में ये कंप्लेंट आती है कि जो ट्यूब्स हैं कान के दरमियानी हिस्से को प्रॉपरली एरेट नहीं करती हैं, वेंटिलेट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से कान के पर्दे में सोजिश आ जाती है और वो दर्द करने लग जाता है और मरीज़ को या बच्चे को या कि इंसान को कान में एक तकलीफ़ का एहसास होता है और छोटा बच्चा चूंकि बता नहीं पाता है तो चीखने लग जाता है, रोने लग जाता है।